चेतना के अमीर घर का आंगन और अमित के गरीब घर का आंगन दुनिया वालों की नजरों में बहुत दूर थे, पर चेतना और अमित का मासूम बचपन उन्हें बहुत करीब ले आया। इतना कि जब अमित बड़ा हुआ और डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए पूना चला गया तो चेतना ने यह फासला भी तय कर लिया। कादंबरी एक लंबी कहानी को कहते हैं। चेतना की यह कहानी संस्कारों से भी लंबी है। संस्कारों की सीमा से आगे, संस्कारों से मुक्त, इस लंबी कहानी में चेतना ने रास्ते पर नहीं अपने कदमों पर किया। यह उस मोहब्बत की कहानी है जो हालात पर नहीं खुद पर विश्वास करती है। You're 16, you're beautiful and you're mine. Your hair that glows, your eyes that shine, your lips like strawberry wine. You're 16. अरे रुक क्यों गए? नहीं दीदी, मैं ये नहीं गा सकता। क्यों? Because someone here is not yet 16. चलो छत पे चलते हैं। ये आपके आने का टाइम है? पहले तो कॉलेज में देर हो गई, फिर देखो ना ये फूल खिलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। देखो अभी तक नहीं खिले। जन्मदिन मुबारक हो। अम्मा नहीं आई? आना तो चाहती थी, फिर ये सोच। कोई बात नहीं,
पार्टी के बाद मैं खुद उनसे जाके मिल लूंगी। हाँ ये लो अम्मा, तुम नहीं आई ना इसलिए मैं ही आ गई। जन्मदिन का आशीर्वाद नहीं दोगी क्या? मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है बेटी, मगर तुम पार्टी छोड़ के क्यों चली आई? वहाँ पर तुम्हारी सहेलियाँ। अम्मा वो तो सब बोर करती है, फिर अमित और सुधीर तो है वहाँ पर। फिर भी बेटी कुछ नहीं, ये लो मैंने भी नहीं खाया। अरे तो पहले तू खा। क्या बात है बेटी, कहाँ खोई हुई है? कुछ नहीं अम्मा, इसके बारे में सोच रही थी। तुम्हें ऐसा नहीं लगता जैसे ये लंगड़ा हो और सहारे के लिए लाठी पकड़ रखी हो? अलग खोल के रख दो ना ये तारे। ना बाबा, मेरे दांत कोई फालतू के थोड़ी है, जिसने ये गांठें दी है वही आके खोलेगा। तो इस वक्त यहाँ है, नहीं तो कल तक इंतजार करना पड़ता। ले पढ़कर सुना। लो अम्मा, इस दफा साहब छुट्टियों में घर आ रहे हैं, 3 साल के बाद उनको आपकी याद आ ही गई। इसमें उस बेचारे का क्या कसूर, छुट्टियों में मेरे लिए ही तो काम करता है। अच्छा कितने दिन रह गए मेरे अमित के आने में? अम्मा खत लिखने के लिए तो तुमने मुझे अपना असिस्टेंट बना ही रखा है, अब दिन गिनने के लिए भी रख लो। बेटी तुम्हारा दिया जाने किस जन्म में चुकाऊंगी। तुम बहुत किस्मत वाली हो अम्मा, तुम्हारा मैं तुम्हें खत तो लिखता है, हमारे सुधीर को ही लो, हर बार उसे चिट्ठी लिख के याद दिलानी पड़ती कि माँ को खत लिखे। इसमें सुधीर का कोई कसूर नहीं बेटी, ये चीजें शायद दुखों से ही समझ में आती हैं। जानती हो मैं अमित के लिए हमेशा ताजी रोटी उतारा करती और खुद बासी खा रहती, या फिर चाय के घूंट से ही काम चला लेती। इतना सा तो था पर न जाने कैसे समझ गया, बस सिर्फ पकड़ ली कि मुझे गर्म रोटी अच्छी नहीं लगती। थाली में रखी हुई ताजी रोटी एक तरफ सरका देता और डिब्बे से बासी रोटी निकालकर खाने लगता। और देखो ना अम्मा, जानती हो क्या लिखा उसने? लिखा है सुबह बिना अलार्म के उठ नहीं पाता, घड़ी खरीदनी पड़ेगी। अच्छा अम्मा, जब तक वो घड़ी नहीं खरीद लेता तुम ही उसकी अलार्म बन जाओ ना। लिख तू कि रोज सुबह तुम उसे जगा दिया करोगी। लिख तू जरा गिनो तो सही, कितने दिन रह गए उसके आने में? अभी उनका इम्तिहान शुरू होने वाला है, इम्तिहान खत्म होने पर कुछ दिन नतीजे आने में लगेंगे, नतीजे के बाद छुट्टियां होंगी और छुट्टियों में डॉक्टर साहब घर आ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, गलती हो गई, पौने डॉक्टर साहब घर आ जाएंगे। अच्छा अम्मा, अभी तो अमित पौना डॉक्टर है, जब वो पूरा डॉक्टर बन जाएगा, मेरा मतलब है डॉक्टर साहब बन जाएंगे, तो तुम मुझे क्या दोगी? मैं तो पहले ही कह रही हूँ कि तेरा दिया न जाने किस जन्म में चुकाऊंगी। मैं उधार उधार नहीं रखने की अम्मा, जो कुछ देना है इसी जन्म में दे दो। अम्मा फिर बासी रोटी, मेरी बात न मानने की कसम खा रखी है क्या? अकेली जान ही तो हूँ, सुबह की पड़ी हुई थी, सोचा यही खा लूं, पेट ही तो भरना है। ठीक है, मैं आज ही अमित को चिट्ठी लिखती हूँ कि अम्मा नहीं खाऊंगी। बस चले पढ़ के बता, तो क्या लिखा है इसमें? Thank you.
क्या लिखा है अमित ने? कुछ खास नहीं, साहब का इम्तिहान खत्म हो चुका है, जल्द ही दिल्ली पहुंच रहे हैं। इतने बड़े खत में सिर्फ इतना ही लिखा है? और लिखा है कि अलार्म क्लॉक खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ी, रोज तो सुबह से कोई आके जगा दिया करता है। पगला, बचपन से ही शर्मीला है। अरे चाची, वही खाता क्या हुआ? लखनऊ का पानी रास नहीं आया क्या? आओ बहन। अरे तुम्हें तो मोहल्ले का हर कोई याद करता था। क्या बताऊं बहन, ये मर्द कहीं का पानी रास आने दे तब ना। अच्छा मैं अभी आती हूँ। सच बता चाची, चाचा की हिम्मत इतनी बढ़ गई है क्या? क्या बताऊं बेटी, तेरे चाचा के पीछे पड़ के बदली ना कराती तो मेरी छुट्टी हो जाती। पर तू तो उनका पूरा हिसाब किताब रखती है ना, उनके वक्त का, उनके पैसे का, वो किस वक्त कहाँ खड़े हैं, कहाँ बैठे हैं। अगर उनका हिसाब किताब ना रखती तो तेरे चाचा मेरी छुट्टी कर देते। चाची तू तो बड़ी सियानी है। तू तो मजाक करती है बेटी, अगर ध्यान से सुने तो तुझे इसी से सीख मिल सकती है। चलो दो कुछ सीख। तू तो जानती है कि तेरे चाचा की शुरू से मैंने लगाम टाइट कर रखी है। लखनऊ जाने के बाद लगे लगाम ढीली करने और कहने लगे दफ्तर में मेरी ड्यूटी लगी है, विलास से जो मेमे आई है उन्हें इमाम बाड़ा दिखाइए। सरकारी ड्यूटी इसी तरह की होती है चाची, और परदेसी मेहमानों में मेमे ही नहीं साहब भी तो होते हैं। मुझे मालूम है, हमारे आदमी मेमो से बात करके बहुत खुश होते हैं। पहले तो मैं चुप रही कि नौकरी का मामला है। तो क्या नौकरी का मामला नहीं था? था तो नौकरी का ही मामला, पर ऐसी नौकरी को क्या करती जो अपना आदमी ही हाथ से चला जाता। जब भी कभी घर आते तो कभी रुमाल से कभी कोट से इत्र की खुशबू आया करती थी। इत्र की खुशबू? किसी ने प्रेजेंट दे दिया होगा अम्मा। पहले दिन इत्र की और दूसरे दिन क्लोरोफॉर्म। ना चेतना, ऐसे नहीं कहती। ठीक ही तो कहती है बहन, ऐसी हालत में मर्दों की सुध-बुध कहाँ रहती है। मजबूरी होगी कोई नौकरी की। भाड़ में जाए ऐसी नौकरी, वो तो मैं ही थी जो बर्दाश्त कर गई। मेरी जगह कोई और होती तो। हम औरतों का क्या, डूबी समझो जब सांस ना आए। ये तो चाची मर्दों के लिए भी कहा जा सकता है, डूबा समझो जब सांस ना आए। चिंगारी बातों से घबरा कर देती है। चिंगारी तो मैं हूँ चाची, मगर औरों जैसी नहीं। अच्छा आप चाचा कहाँ है? खूब याद दिलाया तूने, मैंने तो घर की सफाई भी नहीं की और तेरे चाचा के आने का टाइम हो गया। जानती हो मैं घर पे नहीं मिली तो फिर वो कहीं चले जाएंगे। अच्छा बहन मैं चलती हूँ। अच्छा नमस्ते। ये औरतें भी होती हैं, बने बनाए महावरे, बस एक बार अपना आप रख लिया फिर जिंदगी भर कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं समझी। अब इन्हें कौन समझाए कि एक तरफ सब कुछ बच जाता है मगर इंसान खत्म हो जाता है, पर दूसरी तरफ सब कुछ खत्म हो जाता है पर इंसान रह जाता है। ओह चल बेटा तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। रहने दो ना अम्मा, कुछ देर मेरे पास भी तो बैठ। नहीं नहीं, इतनी दूर से थका मांदा आया है, पहले चाय पी ले फिर बैठ के आराम से बातें करेंगे। तू बैठ बेटा, मैं चाय की पत्ती लेकर आती हूँ। अम्मा अरे तुम दोनों तो ऐसे खड़े हो जैसे लड़ाई हुई हो। हाँ अम्मा, लड़ाई तो सचमुच हुई थी। मुझे तो पता ही नहीं
कब हुई थी तुम्हारी लड़ाई? हुई थी अम्मा, बहुत पहले की बात है। कब? पूना जाने से पहले? उससे भी पहले। उससे पहले कब? पिछले जन्म में। लड़ाई पिछले जन्म में और सुलह इस जन्म में? क्या मालूम इस जन्म या अगले। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना ही मैंने तुम लोगों की लड़ाई होती देखी और ना ही सुलह देख पाऊंगी। इतनी जल्दी क्यों करती हो अम्मा? क्या अगले जन्म में तुम्हें इसकी माँ नहीं बनना? क्यों शराब देती हो बेचारे को? मुझ फकीरन का बेटा बनकर ये जन्म तो इसने बिगाड़ ही लिया। इसे तो किसी रानी के घर होना चाहिए था। अरे मैं तुम्हारे बीए पास करने की बधाई देना तो भूल ही गया। मुबारक हो। अच्छा आगे क्या इरादा है? एमए कर रही हो या नहीं? मुझे नौकरी मिल गई है। फिर नौकरी की आदत तो मुझे पहले से ही थी। पहले से? अम्मा ने मुझे अपना मुंशी बना रखा था। मेरा मतलब है मुंशियन। मुझसे खत लिखवाया करती थी। आज शाम को तुम क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं। क्यों? मेरे साथ बाजार चलोगी? सर में दर्द सा रहता है, आंखें टेस्ट करवानी है। सुधीर उससे प्याज काटा, कोई और छुरी ले लो। ये लो दीदी। ये क्या? बोला था ना उसे प्याज काटा। अब सारे सेब में से प्याज की बू आएगी। क्या हुआ? आज सुबह मैंने भी एक सेब चखा था, उससे भी प्याज की बू आ रही थी। कहां से आ रहे? जरा पिक्चर देखने गया था। तो कुछ नहीं, शीतल थी। शीतल? शीतल दिल्ली में है क्या? होना तो उसे अमृतसर में चाहिए था, पर देखा तो यही है। उसे गलत लिखने की क्या पड़ी थी? शायद जाना चाहती हो और ना जा पाई हो। तुमसे बात हुई? नहीं, वो एक दोस्त के साथ आई थी। सुधीर, मैंने कई बार तुमसे कहना चाहा, पर कह नहीं पाई। मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सुना है। उसके दोस्त शायद उसके बहुत दोस्त हैं। पढ़े कहां तक है? 50 साल। कुछ दिखाई दिया? जी नहीं, जो दिख रहा था ना वो भी दिखना बंद हो गया। आपकी शादी हो गई? 6 मुंडे हैं, 4 कुड़ियां हैं। पढ़े हूं भी नहीं जा रहा डॉक्टर साहब। अब तो पढ़ सकते हैं डॉक्टर साहब। क्या हुआ भाई, तुझे कितने गए? इससे तो जरूर पढ़ा जाएगा। देखो क्या किताबा वो घड़ी यार, और वो ये
लवली यार, कुछ पढ़े लिखे भी हो कि नहीं? कमाल है डॉक्टर साहब, मैं पढ़िया लिखे आता तो थोड़े को चक मारने को आना। डॉक्टर मैं समझा ऐसी साइंस तरक्की कर गई है, आदमी चांद के बीच में जा बढ़िया, अपोलो से निकल के स्वेज में घुस गया, स्वेज से निकल के अपोलो में जा बढ़िया, पढ़ने वाला चश्मा भी पैदा किया होगा। खैर थोड़े को नहीं तो जाने दो, इतना कुरी को बढ़ते हो, खुशी को खाते हो है? है? अच्छा अब बाहर बैठिए। मैनु बाहर करके ओना नु बुलाओगे, मैनु चश्मा तो लगा नहीं सके, ओना नु की लगाओगे? डॉक्टर बने फिरता आंधा जाना कुछ नहीं। आपकी नजदीक की नजर तो बिल्कुल ठीक है, और दूर की? दूर की जरा कमजोर है। मेरा भी यही ख्याल था। ओ भाई साहब, जरा इनकी नजर भी टेस्ट कर दीजिए। क्यों, मेरी नजर को क्या हुआ? अरे भाई जरा बैठो तो सही। अच्छा ये लो। आपकी नजदीक की नजर कुछ कमजोर है। क्या? नहीं नहीं, इतनी नहीं कि चश्मे की जरूरत पड़े। और दूर की? दूर की बिल्कुल ठीक। सुना, तुम्हारी दूर की नजर कमजोर है मगर मेरी बिल्कुल ठीक। तो तुम्हारे ख्याल से मेरी दूर की निगाह कमजोर है? मेरे नहीं, डॉक्टर के। अच्छा बाबा, डॉक्टर का ही सही, ये किताबों की दुकान सामने है और इस वक्त मुझे वही दिखाई दे रही है। तुम्हें फिक्शन पसंद है? The Last Temptation of Christ? खलील जिब्रान, मैं इसकी एक बात कभी नहीं भूल सकता। एक जगह लिखता है, मैं 7 बार अपनी आत्मा के सामने झुका हूँ, उनमें से एक बार वो है जब मैंने मुश्किल रास्ता छोड़कर आसान रास्ता अपनाया था। पढ़ना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि मैं भी कहीं मुश्किल रास्ता छोड़कर आसान रास्ता न अपना लूं। इसे गिफ्ट रैप कर दीजिए, ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदी है। मेरे लिए? हाँ तुम्हारे लिए। आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था। क्यों? शायद फिर कभी कुछ ना दे सकूं। योर लास्ट टेम्पटेशन। फिर पॉल पॉट्स, लगता है जितने साल उसने इस किताब को लिखने के लिए लगाए होंगे उतने ही साल शायद तुम इसे पढ़ने के लिए भी लगाओगे। ये आज तुम्हें हो क्या गया है? चाय पियोगी? पियूंगी, अमित भी पिएगा, लेकिन मैं पूछती कुछ हूं, जवाब कुछ और देते हो। 2 प्याली ले आओ, केटली में चाय है। सुधीर, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? जितना समझ सकती है अमित, तुम नहीं समझो। मुझे तो पॉल पॉट्स भी समझ नहीं आता, लेकिन तुम्हारे कहने पर मैंने उसकी किताब पढ़ी और मैं तुम्हें भी नहीं समझ सकता, फिर भी मैं तुम्हारी बात सुन लूंगा। मैं बताती हूँ, आज दोपहर में सुधीर ने एक ऐसा सेब चखा था जिसमें से प्यास की बू आती थी। शीतल की ये चिट्ठियां सुधीर ने अलमारी में बड़ी संभाल के रखी हुई थी। और तो चाहे कोई करे, लेकिन पॉल पॉट्स के शागिर्द से। खैर सुधीर, पॉल पॉट्स की जिंदगी में भी एक शीतल आई थी, लेकिन उसने उसका जिक्र अपनी किताबों में कुछ इस तरह से किया कि उसकी शीतल। अगर कोई लिख न सके, बोल न सके, सुन न सके, तब अगर
अगर यहां लिखा अपना नाम मैं मिटा सकता हूं तो दिल पे लिखा किसी दूसरे का नाम क्यों नहीं। पर तुम अकेली कैसे जाओगी अम्मा? अकेली हूं या दुकेली, पर तुम नहीं चलोगे। पर अम्मा, परवर मैं कुछ नहीं जानती, लाओ जाने से पहले तुम्हारे कपड़े धो। रहने दो ना, खुद ही धो लूंगा। वहाँ हॉस्टल में कौन सी माँ होती है, सब काम खुद ही करना पड़ता है। हॉस्टल की बात मैं नहीं जानती, पर यहाँ तुम नहीं कर सकते। लाओ कपड़े दो, छोड़ो ये तौलिया और ये कुर्ता भी उतार दो। लाओ मैं कर देती हूँ। रहने दे बेटी, तू अमित के पास बैठ, मैं अभी आती हूँ। अमित के पीठ पे ये निशान कैसा अम्मा? किस्मत का। किस्मत का? किस्मत का लिखा तो भी पढ़ा भी जाता है। लोग कहते हैं ऐसे निशान बच्चों को अपने माँ बाप से मिलते हैं, ये एक तरह से खानदान की निशानी होती है। क्या पता बेटी, मेरे से तो नहीं लिया। ला मैं सूखने डालती हूँ। जाती तो अम्मा गाड़ी नहीं पकड़ सकती थी। मैं तो कब से जल्दी मचा रहा था, पर अम्मा मुझे घर की चीजें कुछ इस तरह समझा रही थी जैसे मैं कुछ जानता ही नहीं। अम्मा पटियाला क्यों गई? अपने भाई से मिलने। अम्मा कभी घर से बाहर नहीं गई। मैंने तो बहुत कहा कि मैं भी साथ चलता हूँ, लेकिन उन्होंने तो जिद ही पकड़ ली कि मैं चलूंगा तो वो नहीं जाएंगे। जाते हुए अम्मा कुछ उदास हो गई थी ना? हाँ। और तुम? मुझे तो बाहर रहने की आदत है, फिर भी थोड़ा बहुत तो सबको होता है ना। घर जाके अकेले क्या करोगे? कुछ भी, शायद कोई किताब पढ़ूंगा। घूमने चलोगे? ये टूटी फूटी दीवारें कुछ कहना चाह रही हूं।
इनका दुख दर्द बांटने कभी कभी मैं भी यहाँ चली आती हूँ। जानती हो चेतना, खंडर सिर्फ इमारतों के ही नहीं जिंदगियों के भी होते हैं। क्या मतलब? कुछ नहीं, तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। मुझसे प्यार करती हो? कोई अपनी मर्जी से अपने मन की बात बताना चाहे तो ठीक है, किसी को पूछने का हक नहीं। आई एग्री। लेकिन मैं तुम्हारे भले के लिए पूछ रहा था। अगर मेरे हालात नॉर्मल होते तो मेरे बात करने का तरीका दूसरा ही होना था। क्या मतलब? जानती हो, मैं इस दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान से प्यार करता हूं और वो है मेरी माँ। तुम शायद समझ ना सको। समझ सकूं या नहीं, मगर तुम्हारे और तुम्हारी माँ के प्यार के बीच में आना मुझे कभी मंजूर नहीं होगा। जानता हूं, इसीलिए तुम्हें यह सब बता रहा हूं। सिर्फ तुम ही नहीं, कोई भी इंसान इस रास्ते में रुकावट के सिवा कुछ नहीं बन सकता। तुम शायद मेरे और माँ के बारे में कुछ नहीं जानती। उससे क्या फर्क पड़ता है? बात मैं जायज बच्चा नहीं हूं, इलेजिटिमेट, एंड आई डोंट केयर। तुम सोचती होगी कि अम्मा ने जवानी में मोहब्बत की होगी, सपनों के महल बनाए होंगे, जिंदगी भर साथ साथ रहने के इकरार हुए होंगे। नहीं चेतना, ये सब नहीं हुआ। मेरी मां ने मर्द का सिर्फ एक ही रूप देखा है, द हेटफुल एस्पेक्ट ऑफ मैन। जिस अमीर आदमी के घर टोली में बैठकर आई हुई औरतें भी अपने आप को बदकिस्मत समझती थी, मेरी मां उसके यहां कपड़े देने गई थी, धुले हुए कपड़े। उस 14-15 साल की बच्ची को जब उसके बीमार बाप ने भेजा होगा तो कभी यह सोचा भी ना होगा कि वो अपनी बच्ची को किस बदनसीबी में ढकेल रहा है। अमित, तुम्हारे ख्याल से अम्मा बड़ी बदनसीब है? और बदनसीबी किसे कहते हैं? मेरे ख्याल से बदनसीब वो है जो अम्मा जैसी औरत को अपना ना सका और तुम्हारे जैसे बेटे को अपना ना कह सका। That's nonsense. इन बातों से अम्मा का कुछ बनने का नहीं। जो साल उसने इस हालत में बिताए हैं, कोई उन्हें लौटा के दे सकता है? उसने समाज की परवाह नहीं की, शादी नहीं की, लोगों के कपड़े धोए, नर्स बन के रही, मुझे पढ़ाया लिखाया, किसी किस्म की तकलीफ नहीं होने दी। और वो आदमी? उसने अम्मा को खबर भिजवाई कि कुछ रुपए लेकर लड़का उसे दे दे। रुपए लेकर? हाँ। वो अम्मा को नहीं सिर्फ मुझे अपनाना चाहता था, वो भी इसलिए कि उसका कोई बेटा नहीं था। पहले तो अम्मा ने बिल्कुल इनकार कर दिया, फिर सोचा बेटा वहां जाएगा, सुख से रहेगा, पेट भर खाएगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, अच्छे स्कूल में जाएगा। मैं इतना छोटा नहीं था कि यह बात समझ ना पाता। सोचा पहले जो बीवी के रूप में मंजूर ना हुई हो, दूसरी बार मां की शक्ल में भी ना मंजूर हो जाती। तुम समझ सकती हो, मेरा ये जन्म मां के नाम है, ये मदर फिक्सेशन नहीं है चेतना। अगर अम्मा ने इस दुनिया में किसी को भी अपना कहने का हक लिया है तो सिर्फ मुझे, और मैं उसका ये हक किसी से भी नहीं बांट सकता, उस लड़की से भी नहीं जिससे मैं प्यार करूं। मेरी एक बात मानोगी? कहो। अगर तुमने कभी भी अपने दिल में मेरे बारे में कुछ सोचा हो तो आगे मत सोचना, मैं शादी नहीं करूंगा। अच्छा। इकरार हुआ।
एक दोस्त की तरह हाथ बढ़ाओ। जानती हो बेटी, एक तरफ सब कुछ बच जाता है पर इंसान खत्म हो जाता है, दूसरी ओर सब कुछ खत्म हो जाता है पर इंसान रह जाता है। अमित, दोपहर में तुमने एक बात कही थी। हाँ। अब मैं तुमसे एक बात कहने आई हूँ, बैठो। अरे यहाँ कहाँ, वहां बैठो ना। मुझे जमीन पर बैठना अच्छा लगता है। मेरी एक बात मानोगी? जो भी कहोगी मानूंगा, सिर्फ एक बात छोड़ के। क्या? वही जो मैंने पहले कहा। मैंने वादा किया था वो बात कभी नहीं कहूंगी। फिर जो चाहे कह लो। मैंने अपनी बात कहने में इतनी देर तो नहीं की थी। पुरानी बात कहनी आसान होती है। और तुम्हारी बात? मेरी बात अब की है, जरा से अब की, जिसका ना कोई पास्ट है ना फ्यूचर। ये बात कभी किसी औरत ने नहीं कही, मैं भी शायद नहीं कहती अगर मेरे हालात नॉर्मल होते। ये तो तुम मेरी बात दोहरा रही हो। तुम्हें मालूम है कोई भी मुझे इतना अपना नहीं लगता जितने तुम। जानता हूं। और तुम ये भी जानते होगे कि समय आने पर हर औरत। हाँ, जब तुम शादी करोगी हाँ शायद करूंगी, और जो भी कोई होगा हो सकता वो मुझे इतना अपना ना लगे। चेतना। हाँ अमित, मैं किसी और से नहीं। इधर आओ चेतना। जानती हो अम्मा ने क्यों संभाल के रखा है? आखिरी समय पहनने के लिए। क्या मतलब? अम्मा कहती है मैंने अपना कफन संभाल के रखा है। ये कपड़े वो उस दिन पहनी थी जिस दिन वो उस हवेली में गई थी। जानती हो मैंने तुम्हें क्यों दिखाया? डरना चाहिए था ना।
नहीं डरे। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ अमित, मैं इन्हें कफन नहीं अपनी शादी का जोड़ा बनाऊंगी। लेकिन तुम जानती हो कि हमारी शादी कभी नहीं होगी, मेरा मतलब है जिससे भी होगी उस दिन मैं यही कपड़े पहनूंगी। उसके साथ इंसाफ होगा क्या? इंसाफ और बेइंसाफी का फर्क मैं समझती हूँ। जो भी कोई होगा मन में सोचती रहूंगी उसकी जगह तुम होते तो क्या उसके साथ इंसाफ होगा? ये ख्याल एक बार आएगा, दो बार आएगा, फिर जो तमन्ना पूरी न हुई हो उसका ख्याल बार बार आएगा।
डरना चाहिए था ना? नहीं डरी। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ अमित, मैं इन्हें कफन नहीं अपनी शादी का जोड़ा बनाऊंगी। मैं उसे मार दिया। मैंने किसे मार दिया? हाँ पुलिस, पुलिस, पुलिस मेरे पीछे है। अमित, माँ ने मेरी जबरदस्ती शादी कर दी। मुझे बचा लो अमित, अमित मुझे बचा लो, अमित अमित मुझे बचा लो। चेतना, ये कैसा सपना था? चेतना की शादी हुई और चेतना ने उसे मार दिया? नहीं, नहीं, उसे चेतना ने नहीं, मैंने मारा है। ये मेरा सपना था, मैंने चाहा वो जिंदा ना रहे। मैंने खुद नहीं मारा, चेतना के हाथों मरवा दिया। Oh God, क्या मैं सचमुच चेतना को किसी के साथ नहीं देख सकता? अरे आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? तुमसे इजाजत लेने आई थी अम्मा। इजाजत? कैसी इजाजत? माँ और मैं आज सुधीर के पास बंबई जा रहे हैं। बंबई? अच्छा अब चलती हूँ, माँ इंतजार कर रही होंगी। दिल्ली जाकर क्या करोगी? यहीं रह जाओ ना। सुधीर, सच पूछो तो यहाँ मेरा दिल नहीं लगता। दिल्ली में अपना घर है, जाने पहचाने लोग हैं, एक अजीब सा अपनापन है जो यहाँ बंबई में नहीं मिल सकता।
और फिर अब नौकरी भी तो मिल गई है। पसंद आई? अरे शीतल, कोई पेंटिंग पसंद आई? पसंद? ये बहुत कमजोर लफ्ज है। तुमने ये पेंटिंग किससे बनाई? किससे? मेरा मतलब उन्हीं रंगों से बनाई है जिनसे सब लोग बनाते हैं। मैं समझी नहीं। तुम्हारे रंगों में एक अजीब सी कशिश है। ये पेंटिंग्स ऐसा लगता है जैसे बातें कर रही हो। मुझे मालूम था तुम जरूर आओगी। कैसे? तुम आजकल इवनिंग न्यूज में आर्ट क्रिटिक हो ना? तुम्हें जब मालूम था मैं इवनिंग न्यूज में काम करती हूँ तो मुझसे मिली क्यों नहीं? मुझे तो तुम्हारा पता ही नहीं। मुझे तो खुद अपना ही पता नहीं। स्कूल में पढ़ाती हूँ ना, छुट्टी ही नहीं मिलती। तुम सुनाओ, तुम्हारा क्या हाल है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मगर तुम कुछ कमजोर लग रही हो। बीमार रही हूँ। कब से? बहुत दिनों से। चलो घर चलते हैं, पास ही है। स्कूल की तरफ से एक कमरा मिला हुआ है। तुम अपनी बीमारी के बारे में बता रही थी? डॉक्टर की नजरों में बीमार थे और अपनी नजरों में गुनहगार। तुम्हारी नजरों में क्या थे?
तुमने बताया नहीं तुम्हारी नजर में क्या थी। तुम इतने दिनों से दिखाई नहीं दी। मैं क्या कह सकती हूँ, फिर भी कुछ तो सोचा होगा। हाँ सोचती तो थी मगर समझ नहीं पाती थी, इसलिए सोचना ही छोड़ दिया। आओ चाय पियोगी? हाँ तुम बैठो, मैं चाय का पानी रखकर आती हूँ। हाँ मैं भी आती हूँ। मेरी माँ कहती है मैं चाय की मछली हूँ, जैसे पानी की मछली पानी के बिना तड़पती है मैं चाय के बिना तड़पती हूँ। तुम्हें दो कमरों का घर कब मिलेगा? शायद कभी नहीं। सुधीर का हाल नहीं पूछोगी? सुधीर का? हाँ वो कहाँ है, कैसा है, क्या करता है? मैं जानती हूँ तुम भी मुझे गुनहगार समझती हो। मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहूंगी पर फिर भी कुछ कहना है। जानती हो बचपन से मुझ में कॉम्प्लेक्स था कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। जब मैं 4 साल की थी मेरे पिताजी चल बसे, मेरी माँ इस सपने को सह ना सकी और चंद ही महीनों बाद मेरे चाचा ने मुझे पाला। वहां मेरे लिए सब कुछ था, पैसा, आराम, पर यही तो सब कुछ नहीं होता। फिर जब मेरी मुलाकात सुधीर से हुई मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे सब कुछ मिल गया हो। मैं पहली बार किसी को अच्छी लगी थी, मैं उसे जो कुछ कहती वो मान लेता। क्यों ना बाहों में बाहें ले ले, देखो जिंदगी के मेले। ये शाम है सुहानी, ये जवानी है दीवानी, चलो बेखुदी से खेले। दिल में रंग भर रहा है, नशा और चिढ़ रहा है, ये दिल यूं भटक रहा है। Yeah.
मरने के बाद तुमने क्या सोचा है? कुछ नहीं। क्यों? ऐसे ही। मेरे के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्यों? बस यूं ही। मुझे मुझे जहाज के कप्तान बहुत अच्छे लगते हैं। ये बात है तो मैं कल ही अप्लाई कर देता हूँ। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। पहले पढ़ाई पूरी कर लो, फिर। ऐसे की तैसी पढ़ाई की। लो भाई, मैं तो चला बंबई तुम्हारे लिए जहाज का कैप्टन बनने। सच? तुम्हारी बहुत याद आएगी। तुम भी चलो ना, हम लोग शादी कर लेते हैं। ना बाबा, अभी नहीं। एक साल तक हम दोस्त रहेंगे, फिर उसके बाद अगर जी में आ गया तो कॉन्टेक्ट रिन्यू कर लेंगे, नहीं तो फिर। ठीक है, ये लो तोहफा, पहन सकती हूँ? ये सब मेरे लिए हेल्थी साबित होना चाहिए था, पर उल्टा ही हुआ। इससे मुझ में एक और कॉम्प्लेक्स पैदा हो गया, एक्सरसाइज ऑफ पावर। जब भी कोई मेरी ओर खींचता मैं उसकी तरफ से लापरवाह हो जाती। माँ बाप के लिए तरसे हुए दिल का जाने कैसा बदला था। एक ठुकराए हुए दिल को दूसरों को ठुकरा कर फिर मैं इस तोड़फोड़ से उब गई। दिल में सेल्फ डिस्ट्रक्शन इतना समा गया कि कई दफे सुसाइड करने का। पर उन दिनों तुम मुझे मिली क्यों नहीं? मुझे नहीं तो सुधीर से तो मिल सकती थी। नहीं चेतना, ऐसे में लगता है जैसे सब शर्मिंदा करेंगे। तुमने भी तो मेरे बारे में बहुत कुछ सुना होगा। कुछ मत कहो शीतल, मैं सब समझती हूँ। बस एक बार तुम्हें बता देना चाहती थी। खत लिखती थी, फाड़ देती थी, फिर लिखती थी। सिर्फ मुझे? सुधीर को नहीं? सुधीर को मैंने बहुत खत लिखे हैं। एक दिन में जाने कितने खत लिखती हूँ। पर वो सिर्फ मन के कागज पर होते हैं। तो आज ये खत सादे कागज पे भी लिखते ना। अगर उसने वो खत ना पढ़ा तो? ये कैसे हो सकता है, वो तुम्हें आज भी याद करता है। उसके लिए तुम अब भी वही स्वीट 16 हो। सच? तुम सच कहती हो चेतना? मैं सब भी याद हूँ। चेतना, एक बात पूछो। ये इजाजत लेने की बात तुमने नहीं सीखी है? नहीं, ये बात नहीं। फिर भी किसी से कुछ पूछना दखलंदाजी तो है ही। दखलंदाजी? अंदाज तो तुम्हारा हमेशा बहुत खूबसूरत होता है, काफी रहा दखल वो मैं थोड़ा बहुत सह लूंगी। अरे बोलो ना। तुमने कोई बच्चा गोद लिया है? हाँ शीतल, सुधीर का एक दोस्त और उसकी बीवी एयर क्रैश में मारे गए। मैंने उनके बच्चे को गोद ले लिया है। पर लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? मुझसे नहीं कहा जाएगा, तुम खुद ही समझ लो। यही कहते हैं ना कि असल में वो बच्चा मेरा है। मैं 1.5 साल बंबई जाके रही, यहाँ नहीं रही, अच्छी भली नौकरी छोड़ के गई थी। लोग तो। नहीं चेतना, बिल्कुल नहीं, ये बात तुम्हारे लिए कोई कह भी नहीं सकता। फिर कहते हैं ये बच्चा
सुधीर का है? उसका कोई दोस्त अपनी बीवी को तुम्हारे यहां छोड़कर? शीतल, मैं तुमसे जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, तुम्हें यकीन है ना? वो बच्चा सुधीर का नहीं, मेरा है। मानियो, मैंने सभी से यही कहा है कि पर चेतना, हाँ मैंने शादी नहीं की, कर ही नहीं सकती थी। जिससे प्यार किया वो मुझसे शादी नहीं कर सकता। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। पर चेतना, ऐसा कौन सा इंसान है जिससे तुम शादी करना चाहो और वो ना माने? उसकी मजबूरियां हैं कुछ ऐसी हैं। पर वो है कौन? झूठ बोलने से मैं रही और सच बता नहीं सकती। मुझे कोई इतराज नहीं अगर उसका नाम बताने की इजाजत मैंने उससे नहीं ली थी। पर तुम इस तरह सारी उम्र अकेली? यही मैंने सोचा था, सारी उम्र अकेली बितानी मुश्किल हो जाएगी। बच्चा होगा तो अकेली नहीं रहूंगी। पर चेतना, उस बच्चे को तुम किसी के सामने अपना तो नहीं कह सकती। किसी के सामने क्या करना है, अपने सामने तो कह सकती हूँ। पर चेतना, तुमने उसे बताया क्यों नहीं? एक डर सा था, कहीं वो ये ना सोच ले कि बच्चे का नाम लेकर मैं उसे शादी के लिए मजबूर कर रही हूं। मैंने उस पर मोहब्बत का भार नहीं डाला, बच्चे का कैसे डाल सकती थी? अगर उसने कहीं से कुछ सुना होगा तो वही जो बाकी लोग जानते हैं। मैंने कानूनन एक बच्चा गोद लिया हुआ है। कितने दिन का हो गया है? मन करता है देखने को, देखने आऊं? जब भी तुम्हारा जी चाहे। तुम मुझसे खत लिखने के लिए कह रही थी ना, तुम्हें मेरा खत बन जाओ ना। Thank you.
अम्मा, तुम अभी तक जाग रही हो? नींद नहीं आ रही थी। क्या सोच रही हो? बस तेरे ही बारे में सोच रही थी। अब तू? अब क्या, हमेशा मेरे बारे में सोचती रहती हो, कभी आराम भी कर लिया करो। तू ही तो मेरा आराम है रे। चल हाथ धो ले, मैं तेरे लिए खाना गरम करके लाती हूँ। नहीं अम्मा, पहले बताओ तुम क्या सोचती रहती हो, तुम खुश क्यों नहीं हो? खुश? मैं तो बहुत खुश हूँ बेटा, पर सोचती हूँ अपने जीते जी तेरा घर बसा जाती तो मुझे अकेले कोई इतनी खुशियां ना दे बेटा, मुझे एक बहू ला दे, मैं ये खुशियां उसके साथ बांटना चाहती हूँ। अम्मा, और जो चाहे मांग लो, पर शादी के लिए मुझे फिर ना कहना। मैंने शादी ना करने का फैसला किया है। मैम साहब, आपका टेलीफोन है। हेलो शीतल, क्या करूं, फुर्सत ही नहीं मिली। नहीं नहीं नहीं, प्रॉमिस, कल छुट्टी है, कल आऊंगी। ओके बाय। हाँ, ये लग रहा है नहीं नहीं करेगा अन्नू, नहीं नहीं करेगा, अच्छा बेटा बनेगा। आहा आहा, आ जा 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 जा, अन्नू मेरा बेटा, मेरा बेटा है, ओल्लू अन्नू। चलो देखो, हाँ। अरे अम्मा, कब आई? तुम कब आई बेटी? मैं तो आज सुबह ही पटियाला से आई हूँ, आते ही मालूम पड़ा तुम आई हो। मैं तो अम्मा आते ही तुम्हारी तरफ गई थी, घर पे ताला लगा हुआ था, पड़ोसियों ने बताया तुम पटियाला गई हो, मैं तो समझी तुम भी पूना चली गई होगी। पूना ही जाना था, अमित की पढ़ाई खत्म हो गई है, उसे अस्पताल में ही बंगला मिल गया है, सोचा फिर न जाने कब इस तरफ आना हो, भाई भतीजों से मिल लूं। बहुत दिन से तेरा खत भी तो नहीं आया। खत तो मैं जानबूझकर नहीं लिखा, सोचा तुम्हें पढ़वाने में मुश्किल होगी। अरे कितना सुंदर है, आजा बेटा, आजा जाओ, आजा। नहीं बेटा रोते नहीं। हाँ कैसे रो रहा, चुप होने का नाम ही नहीं लेता। ले ले हम इसको, अभी ठीक करती हूँ, अभी अच्छा करती हूँ। इतने बड़े करम भी होते हैं किसी के, कहाँ जन्म लिया और कहाँ पल रहा है। अरे ले ले अन्नू, अभी नहाते हैं, रोते नहीं तो वो रोएंगे नहीं। आप ला, अच्छा अच्छा गम गम पानी ला, उसे मैं नहला दूँ, मुझे दे। मैं जब तक इसके लिए दूध गर्म करके लाती हूँ। अच्छा बच्चों, अरे नहीं लाई, देखो अभी नई नई कराएंगे तुम्हारे, आप ही नई नई कराएंगे, ये देखो ये रहा पानी। हाँ
ये तो सो गया। अम्मा पूना जाके मुझे भूल न जाना, खत लिखती रहना। पहले मैं तुम्हारी मनशैन थी, अब मेरे लिए किसी और को मुंशी बना लेना। तुम्हें नहीं लिखूंगी बेटी, तो और किसे लिखूंगी? अच्छा बेटी अब मैं चलती हूँ, तेरे लिए पटियाला से दुपट्टा लाई हूँ, शाम को आके ले जाना। शाम को क्यों, अभी क्यों नहीं? चलो मुझे दुपट्टा दे दो, फिर वापस आके खाना यहीं खाएंगे, माँ से बाद में मिल लेना। चलो माँ मैं बाहर जा रही हूँ, अन्नू ऊपर सो रहा है। जरा जल्दी आना बेटी। देखो अम्मा कैसा लगता है? मैं सोच रही थी पता नहीं तुम्हें अच्छा लगे ना लगे। क्यों? आजकल की लड़कियों को कौन जाने, पुरानी चीज पसंद ना आए। मैं तो अम्मा आजकल की लड़की नहीं हूँ, या तो पिछले जमाने की लड़की हूँ या आने वाले की। देखो और भी कुछ लाई हूँ तुम्हारे लिए, दिखा। ये तो मेरे लिए नहीं है। मेरा और है ही कौन बेटी? सच बताओ अम्मा, किसके लिए लाई हो? मेरे लिए लाई होती तो पहले नहीं दे देती। किसी के लिए नहीं, मन भावी खरीद ली। अब चाहती हूँ तुम पहन लो, देखूं तो कैसी लगती है। अम्मा तुम्हें बुलाने आई हूँ। क्यों, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, अमित आया है। अमित ने क्यों बुलाया है? क्या उसे अन्नु के बारे में पता चल गया? अन्नु मेरा है, सिर्फ मेरा, उसे अमित ने नहीं मैंने चाहा था। चलना आ। कल रात को ही आया है, कुछ उदास सा है। अच्छा बेटी तुम चलो, मैं जरा बाजार हो आऊं, बहुत सारी चीजें लानी है। डॉक्टर साहब आपने आने की कोई चिट्ठी नहीं लिखी? लिखी तो थी, फिर सोचा अपनी चिट्ठी का डाकिया खुद ही बन जाऊं। कहाँ है चिट्ठी? ये लो। गांव में डाकिया जाता है तो चिट्ठी पढ़ के सुनाता भी है। तो इसे मैं भी पढ़ के सुनाऊं? जी हाँ। और अगर इसमें कोई बुरी बात लिखी हो तो? डाकिया को इससे क्या? अच्छा तो सुनो, लिखा है। बस बस रहने दो। क्यों चिट्ठी नहीं सुनोगी? इसे लिखने वाला दीवाना दिखता है, लगता है उसके होश हवास कायम नहीं रहे। लिखता है अगर तुम उसे अपने से शादी करने की इजाजत दो तो। अमित इतने दिन बाद मिले हो, यही मजाक करना था क्या? चेतना मैं अपना कहा टाल सकता हूं, अम्मा का नहीं। क्या कहा अम्मा ने? कहती है कि मुझे तुमसे शादी करनी होगी। क्या मतलब? जानती हो अम्मा ने मुझे तार देकर बुलाया है। तार देकर? तार मुझसे तो नहीं लिखवाया था, पर अम्मा ने बुलाया क्यों? यही तो मैं रात भर उनसे पूछता रहा हूं, लेकिन वो कुछ बताती ही नहीं। कहती है कि अगर मैंने तुम्हारे साथ शादी नहीं की तो
वो मेरे साथ पूना नहीं जाएंगी। क्यों? मालूम नहीं, समझ में नहीं आता उन्होंने ये जिद क्यों पकड़ रखी है। पर अम्मा मेरे बारे में मुझसे पूछे बिना ये फैसला कैसे कर सकती हैं? नहीं अमित, ये नहीं हो सकता। लगता है किसी तरह अम्मा ने मेरे दिल की बात जान ली है। उसे पता चल गया है कि मैं सारी उम्र शादी नहीं करूंगा और तुमसे प्यार भी करता रहूंगा। पर तुम तो ये नहीं चाहते थे ना चेतना। तुम तो मेरे दिल की बात जानती हो। सोचा था नहीं करूंगा पर अब तुम शायद एक बात नहीं जानते। क्या? कानूनन मैं एक बच्चे की मां हूं। मैंने एक बच्चा गोद लिया हुआ है। मुझे पता है, मैं कभी भी उसे छोड़ने के लिए नहीं कहूंगा। पिछले 2 साल से तुम्हें कोई चिट्ठी नहीं लिखी थी ना? सारी चिट्ठियां तुम्हें इस डायरी में मिलेंगी। जब भी तुम्हारी याद आती थी इसी में तुम्हारे नाम एक खत लिख देता था। लो ये सब तुम्हारे हैं। लगता है 2 साल में तुम्हें मेरी याद ही नहीं आई। जानते हो मैंने भी एक डायरी लिखी है। मुझे तो नहीं दिखाई। देखोगे? अरे इसे कहाँ ले जा रही हो? मैं नहला दूँ तब ले जाना। बस 1 मिनट अम्मा, अभी ले जाती हूँ। अरे सोनू बेटे आ जाओ। कैसा है हा? तुम तो डायरी लेने गई थी। डायरी सिर्फ कागज पर ही लिखी जाती है क्या? और किस पर लिखी जाती है? किसी और तरीके से भी तो लिखी जा सकती है। क्या मतलब? ये डायरी मैंने तुम्हें पहले ही दिन दे दी थी। रोज तुम्हारे पास रहती है, तुम्हारी बाहों में खेलती है। तुम्हें याद है अम्मा जब पटियाला गई थी ये बच्चा तुम्हारा। लो इसे मुझे दे दो, नहला दो। दो? ऐसी जल्दी क्या है अम्मा? दो ना। मेरी बात तो सुनो। अरे ऐसी भी कौन सी बात है अम्मा, तुम नहीं जानती कि। अरे सब पता है मुझे, तुम्हारी ये दीवानी तो जिंदगी भर कुछ ना बताती। अम्मा मुझे तो पहले दिन ही पता चल गया था। पहले दिन? कब? जब तुम धूप में लिटाकर इसे तेल लगा रही थी और मैंने इसे नहलाया था। ये देखो अमित के भी है इसी जगह।
तो इसीलिए तुमने उस रोज तार न देती तो और क्या करती, इस फूल को मुरझा जाने देती क्या? ना बेटा ना 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 ना, नहीं बेटा। तुम तो जुल्म ढा देती चेता। मुझे बताया क्यों नहीं, जिस तरह मैंने सारी जिंदगी अपने पिता का मुंह नहीं देखा, ये भी ना देख पाता। तुम अपने बाप से इसके बाप का मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों? मेरे बाप ने जानते हुए इनकार किया था और इसके बाप से अनजाने में इनकार हो जाना था। चेतना, तुम भी मुझे बताना तो था। तुम सोचते बच्चे का नाम लेकर मैं तुम्हें शादी के लिए मजबूर कर रही हूं। मैं चाहती थी कि अगर कभी तुम मुझसे शादी करना चाहो तो वो फैसला मेरे लिए हो, सिर्फ मेरे लिए, इसलिए कि तुम मुझसे प्यार करते हो, इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां हूं।